वेलकम बैक टू माई चैनल ग्रेस एंड ग्लो। दिस इज मंजुला सिंह, ब्यूटी एक्सपर्ट। और आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत दिनों से इस वीडियो के लिए मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी। चलिए शुरुआत हम आज कर देते हैं और आगे और भी बहुत सारे ऐसे मेन के प्रॉब्लम जो होंगे स्किन से रिलेटेड या बालों से रिलेटेड मैं जरूर बताऊंगी। ये मेन स्किन केयर रूटीन बहुत ही आसान है। आज जो मैंने सिलेक्ट किया है वो सबसे इजिएस्ट वे है आपके स्किन को अच्छा रखने का, परफेक्ट रखने का। और जो आने वाले वेडिंग सीजन है या फेस्टिव सीजन है उसमें आप अपने स्किन न सिर्फ बहुत ही ज्यादा हेल्दी रख सकते हैं बल्कि आपके स्किन पे ग्लो भी आ जाएगी। और उस पे जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है, ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम, ऑयली होना स्किन का बहुत ज्यादा, या टैनिंग होना, तरह तरह के स्पॉट हो जाना जो पॉल्यूशन से, डर्ट से, सन से पिगमेंटेशन हो जाती है, वो सारे भी आपके रिमूव हो जाएंगे। डीआईवाई नहीं है लेकिन बहुत ही ईजी है, इफेक्टिव है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है, सेफ है और हर तरह के स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं स्किन केयर रूटीन का सबसे पहले स्टेप क्या क्या है। बहुत ही जरूरी है, इसके लिए आप कोई भी अपना फेवरेट फेस वॉश यूज कर सकते हैं जो आपके स्किन टाइप को सूट करे। मैं रिकमेंड करूंगी चारकोल बेस फेस वॉश ही यूज करें। ये डीप क्लींस करता है फेस को और चारकोल हाईली एब्जॉर्बेंट होता है जिससे आपके चेहरे पे जो भी डर्ट होंगे, पॉल्यूशन से आपके स्किन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ गई हो, वो इससे रिमूव हो जाएंगे। अगला स्टेप है एक्सफोलिएशन यानी स्क्रबिंग करना फेस की, जो आपके डेड सेल्स को रिमूव करेगा स्किन के ऊपर जो आ जाते हैं, या फिर आपके ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स सब रिमूव हो जाएंगे, फेस बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। इसके लिए आप कौन सा फेस स्क्रब यूज इसके लिए मैं बताती हूँ कि आपको कौन सा फेस स्क्रब यूज करना है। कोई भी अच्छा सा हर्बल फेस स्क्रब आप यूज कर सकते हैं जो आपके स्किन टाइप को सूट करे। आपका स्किन या तो ऑयली हो सकता है, या ड्राई हो सकता है, या नॉर्मल हो सकता है, तो उसी के हिसाब से आप मार्केट से कोई भी अच्छा सा हर्बल फेस स्क्रब लाएं और उसको हफ्ते में कम से कम 3 दिन जरूर यूज करें। क्लीनिंग के बाद फेस को मॉइस्चराइज करना बहुत ही जरूरी है। अगर आपका फेस ऑयली है तो आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज कीजिए, अगर आपका फेस ड्राई है तो ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं बताऊंगी कि कोशिश करें कि आपका जो भी मॉइस्चराइजर हो बहुत ही हर्बल हो, उसमें बहुत ज्यादा केमिकल ना हो। और नेक्स्ट है सनस्क्रीन लोशन। सनस्क्रीन लोशन लगाना भी उतना ही जरूरी है जितना मॉइस्चराइजर लगाना। तो जब भी आप मॉइस्चराइजर यूज करते हैं या क्रीम यूज करते हैं उसके बाद आप सनस्क्रीन लोशन जरूर लगाएं। जैसा कि इन्होंने यूज किया है न्यूट्रोजेना का, तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इस पे मेरा भी बहुत ही ज्यादा भरोसा है। अगर आप कोई दूसरा यूज कर सकते हैं, अगर आप कोई दूसरा सनस्क्रीन लोशन यूज कर रहे हैं और वो आपको सूट कर रहा है तो आप उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि सनस्क्रीन लोशन लगाना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहते हैं जो एक ही हो लेकिन वो काम आपके बहुत सारे करे, तो आप लैक्टोकलामाइन यूज कर सकते हैं, उस पर आप भरोसा कर सकते हैं। लैक्टोकलामाइन को आप डे क्रीम के जैसा यूज कीजिए या फिर नाइट क्रीम की तरह। उसका फायदा ये है कि उसमें केओलिन पाउडर होता है। केओलिन पाउडर हमारे न सिर्फ टैनिंग को हटाता है, आपके चेहरे को लाइटन करता है, ब्राइटन करता है, स्मूथ करता है। और किसी भी तरह के अगर छोटे मोटे आपके चेहरे पर परेशानी हो रही हो, पिंपल्स हो रहा हो या फिर ब्लेमिशेज हो रहे हैं, ये उसको भी ट्रीट करता है। यानी छोटी सी चीज है, सिंपल सी चीज है, आपके लिए बहुत ही ज्यादा ये फायदेमंद हो सकता है। तो आप लैक्टोकैलामाइन यूज कीजिए। तो देखा आपने, ये मेन स्किन केयर रूटीन के स्टेप्स कितने इजी थे, आपके बहुत सारे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। एक बात मैं टिप देना चाहूंगी सारे जो मेन देख रहे हैं, वो अपने पास 2 चीजें जरूर रखें जिससे उनके सारे छोटे मोटे प्रॉब्लम कभी उनको फेस नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले लैक्टोकैलामाइन। लैक्टोकैलामाइन पे मेरा खुद पे बहुत ही ज्यादा भरोसा है, मैं बहुत दिनों से लगा रही हूँ, ये मेरा परमानेंट मेरे साथ रहता है और इसका रिजल्ट मैंने अपने ऊपर बहुत ही अच्छा देखा है। तो आपके पास लैक्टोकैलामाइन जरूर होना चाहिए, नंबर 1। ये
दूसरा कि किसी भी तरह का आप सनस्क्रीन लोशन अपने पास जरूर रखें, जब भी बाहर जाएं, भले ही आप धूप में हो या ना हो, छाया में ही जाएं, सनस्क्रीन लोशन लगाने की हैबिट आपको होनी चाहिए। रीजन ये कि ये दोनों ही आपके स्किन को हर तरह से प्रोटेक्ट करेगा या किसी भी तरह का कुछ आपके स्किन को डैमेज करने के चांसेस होंगे, इन दोनों ही चीजों से आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहेगी। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियोस। केयर एंड बाय बाय।